मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा मेरी आस। मुकेश ने अनिल बिश्वास, नौशाद, एसजी बर्मन, शंकर जयकिशन से लेकर आरडी बर्मन जैसे अपने दौर के सभी टॉप संगीतकारों के लिए गीत गाए। मेरा नाम राजू घराना अनाम, बहती है गंगा जहां जलता हुआ दिया हूं मगर रोशनी नहीं। मुकेश के गाए सैकड़ों गीतों ने लोकप्रियता के शिखर को छुआ। कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार। लेकिन मुकेश के गाए गीत को लेकर दो संगीतकारों के बीच भारी विवाद हो गया। मुकेश का गाया वो कौन सा गीत है और उस गीत को लेकर विवाद पैदा करने वाले वो संगीतकार कौन से हैं, और वो विवाद आखिर किस बात को लेकर है, इस वीडियो में उस गाने के बारे में विस्तार से बताने जा रही हूँ। तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, गायकी की दुनिया में मुकेश की आवाज ने हर दिल को छुआ और जिससे हर दिल ने प्यार किया। तुम लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। उनकी आवाज में एक ऐसा जादू था कि सुनने वाले खींचे चले आते थे। चंदन सा बदन, चंचल चितवन, धीरे से तेरा। मुकेश के गाए गाने आज भी सदाबहार हैं। मुकेश हालांकि आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गाए गाने आज भी गाए गुनगुनाए जाते हैं। एक तारा न जाने कहां छुप गया, दुनिया वही दुनिया। मुकेश को गायकी की दुनिया में लाने का श्रेय एक्टर मोतीलाल को जाता है। मोतीलाल ही मुकेश को मुंबई लेकर आए थे और उन्होंने ही मुंबई में मुकेश को गाने की ट्रेनिंग दिलवाई। जलता है तो। मुकेश ने 1941 में फिल्म निर्दोष में अभिनय किया और इस फिल्म के सभी गाने भी खुद ही गाए। इसी फिल्म में मुकेश ने अपने करियर में सबसे पहला गाना दिल ही बुझा हुआ हो तो गाया। दिल ही बुझा हुआ हो तो लेकिन मुकेश के इस पहले गीत को लेकर ही दो संगीतकारों के बीच विवाद हो गया और दोनों में इस गाने के संगीत का श्रेय लेने की होड़ लग गई। ये गाना फिल्म में नलिनी जयवंत और मुकेश पर फिल्म आया गया। बहार क्या, और साल 1941 में सारे गामा की ओर से जारी किया गया था, जो पहले HMV के नाम से जाना जाता था। इस गाने के बोल नीलकंठ तिवारी ने लिखे हैं। इस गाने के रिकॉर्ड पर संगीतकार के तौर पर अशोक घोष का नाम दिया हुआ है। प्रसिद्ध फिल्म लेखक पंकज राग ने अपनी पुस्तक धुनों की यात्रा में लिखा है कि अशोक घोष के नाम के साथ मुकेश का गाया प्रथम फिल्मी गीत जुड़ा है। साल 1941 में रिलीज हुई फिल्म निर्दोष में 18 साल के गायक मुकेश की खूबसूरत आवाज में गाए और खुद मुकेश पर फिल्माए गए गीत को सुनना आज भी रोमांचित कर देता है। लेकिन इसी गीत को लेकर उस समय के टॉप संगीतकार अनिल विश्वास ने दावा किया था कि निर्दोष के इस गीत की धुन उनकी थी, लेकिन संगीतकार के तौर पर नाम दिया गया अशोक घोष का। हालांकि अभिलेखों में तो मुकेश के पहले गीत के संगीतकार के तौर पर अशोक घोष का नाम दर्ज है और अशोक घोष इस कारण अमर हो गए हैं। असल में इस फिल्म का निर्माण नेशनल स्टूडियो ने किया था और नेशनल स्टूडियो से बनने वाली फिल्मों में संगीतकार के तौर पर अशोक घोष का नाम ही रहता था। मुकेश के एक दोस्त थे हरीश, जो फिल्मों में अभिनय कर रहे थे। फिल्म की हीरोइन नलिनी जयवंत थी। हरीश ने ही नेशनल स्टूडियो के परचम तले बनी इस फिल्म में अपने प्रयास से मुकेश को काम दिलाया था। दुनिया चले चला जो तू। निर्दोष में 3 गीतकार थे, जिनमें एक नीलकंठ तिवारी थे और साथ ही कन्हैयालाल चतुर्वेदी और जिया सरहदी भी गीतकार थे। इसके निर्देशक वीरेंद्र सिंह देसाई थे। फिल्म में कई गीत नलिनी जयवंत ने भी गाए, जबकि कुछ गीत नलिनी जयवंत और मुकेश के गाए युगल गीत हैं। आपको बता दें कि मुकेश ने बाद में साल 1942 में रिलीज हुई फिल्म सुख दुख में भी अभिनय किया, लेकिन ये फिल्म चली नहीं।
हालांकि इस फिल्म के लिए मुकेश के गानों की तारीफ हुई और वो सफल गायक के रूप में स्थापित हो गए। बाद में मुकेश ने 50 के दशक के आरंभ में दो और फिल्मों माशूका और अनुराग में काम किया, लेकिन अभिनय के क्षेत्र में वो सफल नहीं रहे और उन्होंने गायकी पर अपना ध्यान केंद्रित किया। तो दोस्तों, आप मुकेश के पहले गीत के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपको मुकेश के गाए कौन से गीत सबसे अच्छे लगते हैं? इस विषय में आपके पास कुछ और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में साझा करें। अगले वीडियो में फिल्मों और गीतों के बारे में कोई और जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।